जमानिया अधियासी अभियंता गोपीचंद भास्कर जी के साथ एक खास मुलाकात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जमानिया में अपने पदभार ग्रहण किया है, एक लोगों को नई उम्मीद है। अगर मैं आपसे जानूं, जो चोरी करते हैं, घटिया कनेक्शन की बात होती है, बार बार आपके लोग जाते हैं, गांव के लोगों को बताते भी हैं, लेकिन जो बाज नहीं आते उनको गोपीचंद जी क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जो बिजली की चोरी करते हैं और बार बार समझाने के बाद भी, हमारा तो पहला प्रयास यही रहता है कि जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है वो अपना वैध कनेक्शन करा लें, और अगर उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की चीजों से लिप्त रहते हैं और हरतर्मी रहती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम विद्युत चोरी की जो धारा है 135 के अंतर्गत उनकी एफआईआर कराएंगे। सर अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत गांव में आप जाते भी हैं, एक लोगों के मन में ये धारणा है ना कि मेरे कई लाख रुपए हो चुके हैं बिल जो मुझे देने हैं, लेकिन अगली सरकार आएगी तो वो माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बाद में लोगों के लिए काफी दिक्कतें होगी, उनको क्या कहेंगे? समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओटीएस योजना, एक मुख्य समाधान योजना चलाई जाती है जिसमें ब्याज माफी की योजना रहती है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोगों ने जमा नहीं किया है तो वो आंशिक भुगतान भी कर सकते हैं, हम आंशिक भुगतान लेने के लिए भी तैयार हैं। गोपीचंद जी, जो इस समय जनहित के लिए पटल पे जो योजनाएं लागू हैं, मैं चाहूंगा वो आप लोगों को बताएं, रूबरू हो लोग। हमारे यहाँ हमारे विभाग में वर्तमान में दो योजनाएं चल रही हैं जो जनहित की योजनाएं हैं। एक तो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हर घर सोलर एनर्जी की योजना चलाई जा रही है, जिसमें नेडा पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें अगर उपभोक्ता बिजली यूज करता है, उसके बाद उसके पास बिजली बचती है तो वो बिजली बेच भी सकता है। दूसरी योजना है हमारे यहाँ निजी नलकूप के लिए, जिसमें मार्च 2023 तक का बिल जमा करें, उसके बाद मुफ्त बिजली पाएं। उसमें एक मुफ्त समाधान योजना भी चल रही है, उसमें ब्याज की छूट है। ग्रामीणांचल की बात करें तो लोगों के घर में मीटर लगे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिल ज्यादा आ गया, आमजन ये जान नहीं पाता, मैं चाहूंगा उनको आप क्या कहें? समय से अपना बिल जमा करें, और मासिक बिल जमा करने के बाद अगर कहीं उसका किसी का बिल गड़बड़ आता है, खराब बिल आता है, तो तुरंत ही हमारी टोल फ्री नंबर 1912 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे और उनको उसके बाद सूचित करेंगे। तो 2005 में आपने ज्वाइन किया जो आप मुझसे बता रहे थे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस विभाग में गोपीचंद जी नहीं होते तो क्या होते? मैं इस विभाग में नहीं होता तो अपना स्वयं का रोजगार करता, और जिस तरह से रोजगार करते हुए जो बन सकता था तो मैं अपनी समाज की सेवा भी करता उसके साथ साथ। जितने फिट हैं आप, कैसे खुद को फिट रखते हैं? बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं, मैं देखता हूँ इतने फिट। और चाहे अधिकारी हो या एक सामान्य व्यक्ति हो या हमारे जितने जनता के लोग हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि हमारा रोजाना स्वयं 10 मिनट 15 मिनट जो बचा सकते हैं योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें और बीमारियों से बचें, इससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो बच्चे आज आपको देख पा रहे हैं, जो एक सपना बुनते हैं ना कि मुझको सरकारी सर्विस चाहिए, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल एग्जाम, बहुत सारे जो कि कम कंपटीशन को फेस करते हैं, उन युवाओं को गोपीचंद जी क्या कहेंगे? सभी युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना भविष्य चुने। अगर वो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना है, और अगर वो सरकारी सेवा में नहीं जाते हैं तो अपना बिजनेस व्यापार है और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। गोपीचंद जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जमानिया में कितने गांव आपके जद में हैं, क्या क्या अभी और हो रहा है? मेरे यहाँ इस विद्युत वितरण खंड जमानिया के अंतर्गत 181 गांव हैं टोटल, और दो नगर पालिकाएं हैं, दिलदार नगर और जमानिया, जहां पर मैं अपनी जो विद्युत आपूर्ति की देख रहा हूँ, और राजस्व वसूली के लिए भी मैं बार बार उपभोक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वो अपना बिल समय से जमा करें, अगर उनका बिल खराब आ रहा है तो तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, हमारे उपकेंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे खंडों में, हमारे उपखंडों में कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं, उनका बिल सुधारा जाएगा और अपना सही बिल जमा करें। गोपीचंद जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, किसान भाई जब खेतों में काम करते हैं 11,000 ऊपर से जो तार जाते हैं, काफी नीचे होते हैं, काफी दिक्कतें भी होती हैं, और उन किसान भाई जो कि मैंने आपसे बताया भी कुछ गांव के बारे में, क्या उस पे जो 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 भी गांव के जहाँ के पावर हाउस हैं जो भी है, क्या वो मैं चाहूँ सही हो जाए? जहाँ तक संभव है, हमारे यहाँ दो योजनाएं चल रही हैं, RDSS की योजना चल रही है और बिजनेस प्लान भी चल रहा है, जहाँ पर अगर जहाँ लाइनें खराब हैं और तार जर्जर हो गए हैं उन्हें बदलवाने का कार्य चल रहा है, और जो शेष बचे हुए हैं उन पर भी शीघ्र काम कराया जाएगा। गाजीपुर जिले में इस समय जमानिया में कार्यरत अधियासी अभियंता गोपीचंद भास्कर जी के साथ एक खास मुलाकात, योजनाओं के बारे में बताई, इसके साथ ही बिजली चोरी ना करें आप, समय से आप बिल दें ताकि मदद हो सके। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी उपभोक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बिल समय से जमा करें।
इसी के साथ मैं पुनः कहूंगा कि अपने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए स्वयं स्वयं वॉक मॉर्निंग वॉक करें और योगा जरूर करें। थैंक यू सर।